डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं बाइसेक्शन मेथड का दूसरा क्वेश्चन, जो कि पहले वीडियो में बाइसेक्शन मेथड मैंने बताया था, उसी के अनुसार इसे लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड 3 times फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 5 = 0 विच बिटवीन 0 to 4, जो कि 0 से 4 के बीच में है। तो देखिए, इसमें जो है x² - 5 = 0 दिया हुआ है। ये कंटिन्यूस इंटरवल है 0 to 4 के बीच में। अब इसमें जो है f 0 अगर हम लिखते हैं, तो f 0 लिखने पर 0 का स्क्वायर माइनस 5, यानी कि 0 माइनस 5 हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। यहाँ पर जो है f 0 वह लेस देन 0 आया, f 0 जो है वह है लेस देन 0, यानी कि f 0 जो है वो लेस देन 0 आया है, यानी नेगेटिव आया है। और यहाँ f 4 = 4² - 5, यानी कि 4² = 16 - 5 = 11, यानी कि यह जो है आ गया है 0 > 0, यानी पॉजिटिव नंबर। और इस अनुसार जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा जो होगा x1, वह x1 क्या हो जाएगा, 0 + 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। अब x1 2 रखने पर क्या आता है, ये देखते हैं, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वाले को, यानी कि a को रिप्लेस कर देगा। तो देखिए, f2 रखने पर जो है f(x2), तो f2 रखने पर यह हो गया 2² - 5। ठीक है, तो 2² - 5 यानी कि -1 आया, 4 - 5 मतलब -1 आ गया। अतः यह क्या करेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हमारा वह माइनस में आ गया, यानी कि -1 जो है रिप्लेस कर देगा, ये -1 रिप्लेस कर देगा इस 0 को। ठीक है, इस 0, क्योंकि यह नेगेटिव आया था, इस 0 को रिप्लेस कर देगा। तो अब जो है f2 और f4 के बीच में आ जाएगा, f2 और f4 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 2 + 4, x2 क्या हो जाएगा, x2 2 + 4/2, यानी कि 3 6/2 = 3 आ जाएगा। अब f3 देखेंगे, यहाँ पर देखें 3 आया है। अब f3 देखेंगे क्या पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव आता है f3, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आता है। देखिए कैसे आता है, f3 अगर रखते हैं तो f3 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 3² - 5, यानी कि 3² - 5 = 9 - 5 जो होगा वो 4 होगा, यानी कि पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव वाले को रिप्लेस करेगा, यानी कि b को रिप्लेस करेगा, यानी 4 को रिप्लेस कर देगा। तो अब जो है f2 और f3 के बीच में हम देखेंगे कि कौन सा रूट आ रहा है। ये हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा, क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो गया 2-4 के बीच में, अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन 2 और 3 के बीच में। तो चलिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं हम, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में 2 + 3/2, यानी कि 2.5, यह 2.5 अगर हम रखते हैं तो 1.5 आता है। तो 1.5 ये भी पॉजिटिव है, तो 3 को रिप्लेस कर देगा। तो 2.5 और 2 के बीच जो है अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, 2.5 और 2 के बीच, तो 2.5 + 2/2, यानी कि 2.25, ये जो है रूट होगा इसका। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट जो होगा 2 + 2.5। तो चलिए फिर से एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाय यूजिंग द बाइसेक्शन फार्मूला या मेथड 3 times फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 5 = 0 विच इज बिटवीन 0 to 4। तो 0 से देखिए 0 से 4 तक लिया था हमने, 0 से 4 तक। अब पहले 0 का और फिर 4 का वैल्यू निकाला, देखा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो f0 × f4 यानी कि नेगेटिव है। अतः बाइसेक्शन रूल इस पर फॉलो होगा। अब पहला अप्रोक्सीमेशन हमने x1 ले लिया और x1 से जो है निकाल लिया, और फिर x1 को यानी कि f2 की वैल्यू निकाल कर देखा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, जो कि 0 को रिप्लेस कर देगा। तो 2 और 4 के बीच अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, 2 और 4 के बीच अप्रोक्सीमेशन ले लिया,
जो कि एक्स टू होगा। अब एक्स टू हमने निकाला तो देखा कि पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो ये फोर को रिप्लेस कर देगा, फोर को रिप्लेस कर देगा। तो अब जो है टू और थ्री के बीच अप्रोक्सीमेशन हो गया, टू और थ्री के बीच अप्रोक्सीमेशन होने पर हमने एक्स थ्री निकाल लिया। अब एक्स थ्री निकाला हमने और एक्स थ्री की वैल्यू या फिर एक्स थ्री की वैल्यू निकाला तो अभी पॉजिटिव है तो थ्री को रिप्लेस कर देगा। इस तरह से रिप्लेसमेंट होता चला जाएगा और एफ थ्री ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। अब यह जो है दोनों ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स क्या हुआ, अब टू और 2.5 के लिए, यहाँ देखिए 2 और 2.5 के लिए अप्रोक्सीमेशन निकलेगा। अब 2 और 2.5 के लिए निकाल लिया और ये जो है हमारा रिक्वायर्ड रूट्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बाईसेक्शन का ये क्वेश्चन करते हैं। धन्यवाद।